आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 11। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना होगा हम लोगों को धातु। तो क्रिया जो होता है वो काम जो हम करते हैं या जो हमारी अवस्था होती है उसी को व्यक्त करता है। जैसे हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, पूजा करना, खेलना, ये सब क्रिया है। तो क्रिया जिस चीज़ से बना है ना उसे हम धातु कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या बनता है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। कहीं कहीं पर लिखा रहता है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दोनों परिभाषा सही है, ठीक है। धातु जो होता है जैसे पढ़, लिख, सो, रो, हंस, खेल, देख, ये सब क्या है, धातु है। धातु से बनता है क्रिया। जैसे देखिए ना, धातु है पढ़, पढ़ धातु है, तो पढ़ धातु में हम जोड़ दिए ना, तो इसी से बन गया क्या, पढ़ना, पढ़ना। इसी से देखिए ना, आप खेल, खेल धातु है, खेल में जोड़ दिए ना, तो बन गया खेलना। और भी बहुत सारे धातु हम लोग बना सकते हैं, धातु नहीं क्रिया बना सकते हैं धातु से। हंस में जोड़ देंगे ता, हंसता। हंस में जोड़ देंगे ना, हंसना। हंस में जोड़ देंगे वाला, हंसने, हंसने ने जोड़ देंगे, हंसने, अपने जोड़ देंगे वाला, हंसने वाला। इस तरह से मतलब हंस रहा है, हंस रही है, हंस रहा था, इसी हंस से बहुत सारा बन जाएगा। तो क्रिया, क्रिया का मूल रूप होता है धातु, उसी धातु से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे देखिए पढ़ एक धातु है ना, पढ़ क्या है, एक धातु है, पढ़ एक धातु है। और पढ़ से ही हम लोग क्या बना, क्या 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 चीज़ बना सकते, देखिए पढ़ूंगा, पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ रहा होगा, पढ़े, पढ़ो, पढ़ना, पढ़ना चाहिए, पढ़ा था, पढ़िए, पढ़ी थी, इत्यादि। ये सब पढ़ धातु से ही बना है, ये सब क्रिया है, ये सब क्या है, क्रिया है। परंतु धातु कौन सी है, पढ़, तो पढ़ से ही नहीं सब कुछ बना है, तो इसका मूल रूप हो गया। इसलिए कहते हैं धातु जो होता है ना क्रिया का मूल रूप होता है, मतलब उसी से, धातु से ही क्रिया बना है। अब बात कर लेते हैं धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो धातु जो होते हैं ना वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। अब सवाल है कि मूल धातु किसे कहते हैं। देखिए मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, वैसा धातु जो स्वतंत्र हो, वह किसी पर आश्रित नहीं हो, किसी पर निर्भर नहीं हो, उसे कहते हैं मूल धातु, ठीक है ना। ये देखिए जैसे खा, देख, लिख, ये सब ऐसा धातु है जो किसी दूसरे धातु पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है, फ्री है, उसे हम कहते हैं। जैसे एक लड़का है वो स्कूल पढ़ने आता है, प्रतिदिन अपने आप चला आता है, किसी के घर बुलाने नहीं आता है, न उसको कोई बुलाने जाता, तो स्वतंत्र है, अपना बस्ता टाइम हुआ, बस्ता उठाया, चल दिया, अपना स्कूल पढ़ने आ गया, वो स्वतंत्र है, निर्भर किसी पर नहीं है। एक लड़का होता है निर्भर, ओकर दोस्त रहेगा दो तीन गो, दोस्त से पूछेगा, दोस्त आई स्कूल चलबे, तो वो कहता ना आई ना जब वो हमारा न जाए का मन कर, हम जब वो मेला घूमे, तो वो कहेगा ठीक है हमहूँ चला मेला घूमे चल, तो वो निर्भर विद्यार्थी है, निर्भर माने का दूसरा पर आश्रित है, दोस्त जाएगा तो वो जाएगा, नहीं रहेगा जाएगा तो वो भी नहीं जाएगा। तो निर्भर आदमी मतलब क्या, लाचार आदमी, कमजोर आदमी, बीमार आदमी, बकलोल आदमी को निर्भर होता है, और जो स्वतंत्र होता है वो मजबूत होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है कि कौन आदमी करेगा तो हम करेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो ये जो मजबूत धातु है, मूल धातु क्या है, ये किसी पर निर्भर थोड़ी ना है कि दूसरा पर, ये अपना स्वतंत्र है, तो इसे हम लोग कहेंगे मूल धातु। क्या कहेंगे, मूल धातु। और ये है निर्भर धातु, माने जो दूसरा पर निर्भर है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, यौगिक धातु। मूल धातु में किसी न किसी अन्य मूल धातु को जोड़ देते हैं या कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, यौगिक धातु बन जाता है। मतलब कि मूल धातु में एगो मूल धातु जोड़ दीजिए चाहे कोनो प्रत्यय जोड़ दीजिए तो उसे क्या बनेगा, आपका यौगिक धातु बनेगा, मतलब मूल धातु में ही वो जोड़ने से बनेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आश्रित होता है, दूसरा पर निर्भर रहता है, वही उसी बच्चा की तरह जो कहेगा कि स्कूल चला है तो चलेंगे, तो चलेगा तो हम भी चलेंगे, नहीं चलेगा तो हम भी नहीं जाएंगे, उसे कहते हैं निर्भर विद्यार्थी। निर्भर है, किसी पर दूसरे पर आश्रित है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज नहीं बन सकता है। जो स्वतंत्र विद्यार्थी होता है मूल, वो स्वतंत्र रहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, चाहे आपका घर के बहन जाए, भाई जाए, चाहे जाए, उसको जाना है तो जाना है, चाहे वो जहाँ भी पढ़ने जा रहा हो, जिस जगह भी जा रहा हो, ट्यूशन जा रहा हो, स्कूल जा रहा हो, सरकारी जा रहा हो, प्राइवेट जा रहा हो, उसे मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है, ठीक है ना। तो
तो वो कहते हैं मूल धातु, और जो आश्रित है उसे कहते हैं यौगिक धातु। जैसे देखिए ना, अब यौगिक धातु जो होता है ना उसको बनाने का तरीका होता है, यौगिक धातु जो भी होता है, यौगिक धातु जो भी बनता है ना वो तीन तरीके से बनता है। नंबर तरीका क पहला है, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ख नंबर तरीका, और फिर पढ़ेंगे ग नंबर तरीका। क्या पढ़ेंगे? क ख ग, मतलब यौगिक धातु बनाने के तीन तरीके हैं, क ख और ग। अब वो कौन कौन क ख ग है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका ये देखिए, पहला तरीका देखिए, ये भी लिखा क्या पहले देखिए, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनता है या निम्नलिखित तीन प्रकार से बनता है। तीन तरीका है यौगिक धातु बनाने के। पहला तरीका है क नंबर, वो क नंबर तरीका क्या है देखिए, क्या कर रहा है, मूल धातु में जब कोई दूसरा मूल धातु जोड़ देते हैं, याद रखिएगा, मूल धातु में कोई दूसरा मूल धातु जोड़ देते हैं तो उससे एक बनता है क्रिया, यौगिक धातु बनेगा, जिसे हम लोग कहेंगे संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? परीक्षा में पूछेगा आपका, फिर बताना शुरू, फिर कट करना पड़ेगा। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो जब हम मूल धातु में किसी दूसरा मूल धातु को जोड़ देते हैं तो संयुक्त क्रिया बनता है। जब मूल धातु में किसी दूसरा मूल धातु को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? संयुक्त क्रिया। तो परीक्षा में पूछेगा संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब किसी मूल धातु में कोई दूसरा मूल धातु जोड़ते हैं तो उसे जो क्रिया बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए खा, खा एक मूल धातु है, जा यह भी एक मूल धातु है, खा माने होता है खाना, जा माने होता है जाना, और दोनों को मिला देते क्या बन गया? खा जाना, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, पढ़, पढ़ माने होता है पढ़ना, पढ़ने उसे बनता है, ले, ले माने होता है लेना, दोनों को माने पढ़, और ले से बन गया लेना, तो क्या बन गया? पढ़ लेना। ठीक है ना, देखिए निकल यह भी मूल धातु है, अचल यह भी मूल धातु है, निकल चलना है ना। देखिए हंस ये भी मूल धातु है, हंस माने हंसना, दे, दे माने देना, तो दोनों मूल धातु से बना क्या? हंस देना। ये सब क्या है? ये सब बन गया संयुक्त क्रिया। ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया। ये सब यौगिक धातु है। क्या है? यौगिक धातु, यौगिक धातु है, मगर उसका स्पेशल नाम क्या हो गया? संयुक्त क्रिया। ठीक है ना, तो एक तरीका क नंबर सीख गए, अब क्या सीखने जा रहे हम लोग? ख नंबर तरीका। ख नंबर तरीका क्या है? जब मूल धातु में, ध्यान दीजिएगा, जब मूल धातु में कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, अब हम पूछते समझ ही में आता है कि भैया प्रत्यय किसे कहते हैं, किसी को पता है प्रत्यय किसे कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ने वाला चीज को प्रत्यय कहते हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ने वाला शब्द को क्या कहते हैं? जैसे पढ़ आ जोड़ दे उसमें ना, तो पढ़ना बन गया, तो ना क्या है? प्रत्यय है। जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, तो जब आप मूल धातु में क्रिया को जोड़िए, प्रत्यय को जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, जब मूल धातु में प्रत्यय को जोड़िएगा तो सकर्मक क्रिया बनेगा, नहीं तो अकर्मक क्रिया बनेगा, ना तो प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। क्या बनेगा? सकर्मक क्रिया बनेगा, अकर्मक क्रिया बनेगा, चाहे प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा, तीनों में से कोनो एगो बनेगा। जब मूल धातु में कोनो प्रत्यय जोड़ देंगे तो यही तीन चीज बनेगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे पढ़ में जुड़ गया ना, तो पढ़ना, तो ये सब प्रत्यय है। देखो ये सब मूल धातु है, पढ़ना मूल धातु है, जग मूल धातु है, पढ़ मूल धातु है, और इसी में ये देख रहे हैं पीला, देखिए ये सब क्या है? ये सब आपका प्रत्यय है। क्या है? ये सब प्रत्यय है। क्या है? ये सब प्रत्यय। शब्द के लास्ट में जुड़ा था क्या हो गया? प्रत्यय। तो पढ़ में जुड़ गया ना तो क्या हो गया? पढ़ना। जग में जुड़ गया आना, जगाना। पढ़ में जुड़ गया वाना, पढ़वाना। तो यह है सकर्मक क्रिया, यह अकर्मक क्रिया, यह प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर तो अभी ये जान लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए कि भैया मूल धातु में जब कोनो प्रत्यय को जोड़ते हैं तो तीन चीज बनता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। ग नंबर बोले थे कि यौगिक धातु बनाने का तीन गो तरीका है,
है ना, क नंबर ख नंबर ग नंबर, तो क ख पढ़ लिया, आप क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग नंबर। ग नंबर में क्या होता है, जब किसी संज्ञा में या विशेषण में, जब किसी संज्ञा में चाहे विशेषण में हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसे वो धातु बनता है, वो यौगिक धातु बनता है, उसका स्पेशल नाम देते हैं नाम धातु। क्या कहते हैं, नाम धातु। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ये भी पूछ दे सकता है कि नाम धातु से क्या समझते हैं, तो कहिएगा जब संज्ञा चाहे विशेषण में कोनो प्रत्यय जुड़ता है, जब संज्ञा चाहे विशेषण में कोनो प्रत्यय जुड़ता है तो उससे जो धातु बनता है उसे नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। अब जैसे देखिए, अब ये देखिए, यहाँ पे ये हाथ संज्ञा है, गरम संज्ञा है, लात संज्ञा है, उसी में इसमें हम जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीज जोड़ रहे हैं देखिएगा, जब हाथ में जोड़ दिए याना, तो हाथ प्लस याना हथियाना, ये सब प्रत्यय है, ये सब देखना लड़का, देखना लड़का सब, ये सब प्रत्यय है। ये संज्ञा है गरम, देखिए ये संज्ञा है, हाथ क्या है संज्ञा है, गरम क्या है विशेषण है, क्या है विशेषण है, लात क्या है ये भी संज्ञा है। तो जब संज्ञा में चाहे विशेषण में हम प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे प्रत्यय जोड़ेंगे, तो प्रत्यय के जोड़ने से जो बनेगा इसको कहेंगे नाम धातु, क्या कहेंगे नाम धातु। समझ में आ गया, ये क्या है बउआ, संज्ञा है, क्या है संज्ञा, ये क्या है प्रत्यय है, ये सब प्रत्यय है, ये क्या है संज्ञा, ये क्या है प्रत्यय, तो संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया नाम धातु, ये क्या है विशेषण में क्या जोड़ दिए प्रत्यय जोड़, सब प्रत्यय है, प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया नाम धातु, ये क्या है संज्ञा, संज्ञा में क्या जोड़ दिए तो क्या बना है नाम धातु। जैसे देखिए, हाथ प्लस याना हथियाना, गरम प्लस आना गरमाना, लात प्लस याना लतियाना, है ना, ये सब क्या है आपका नाम धातु है। तो परीक्षा पूछता है उसने सोहन को लतियाया, इसमें लतियाया कौन सा धातु है, तो नाम धातु है। कैसे समझ गया, तो लात होता है संज्ञा, संज्ञा में कोनो जुड़ा है याना लतियाना, तो याना जुड़ गया, तो जब संज्ञा में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो बनेगा उसे नाम धातु कहते हैं। आया समझ में, तो इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, हम समझ में आ गया धातु है क्या, धातु कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। अगर हम आपको शॉर्ट में समझाएं तो कैसे समझाएंगे, धातु पहले क्या समझाएं हम लोग, धातु समझे हैं, धातु कितने प्रकार के होते हैं भैया, दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या होते हैं बोलिए, मूल धातु, और क्या होता है दूसरा यौगिक धातु, मूल धातु और यौगिक धातु। अब बात आती है कि भैया मूल धातु जो होता है वो तो मूल धातु होता है, यौगिक धातु जो होता है वो कैसे बनता है, तो यौगिक धातु जो बनता है वो तीन तरह से बनता है, उसका तीन तरीका हम लोग पढ़े हैं, वो पढ़े हैं पहला नंबर क, फिर दूसरा का नंबर पढ़े हैं ख, और तीसरा नंबर पढ़े हैं ग। अब तीनों को हम थोड़ा शॉर्ट में लिखा देते हैं, समझाते हैं वो क्या क्या चीज़ पढ़े हैं, याद थोड़ी ना है अभी, अभी हम पढ़ाते हैं, देखे दिए अभी याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। पहला में पढ़े हैं क्या कि जब पढ़े, पहला में पढ़े हैं संयुक्त धातु, उसमें पढ़े कि जब हम मूल धातु में, मूल धातु में जब हम कोई दूसरा मूल धातु जोड़ते हैं तो संयुक्त क्रिया बनता है, क्या बनता है संयुक्त क्रिया बनता है, क्या बनता है बुआ संयुक्त क्रिया बनता है। जब मूल धातु में मूल धातु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा संयुक्त क्रिया बनेगा। कोई दिक्कत किसी को, ताई को दिक्कत होना बुआ तुरंत पूछो, मूल धातु में मूल धातु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बुआ संयुक्त क्रिया बनेगा। दूसरा नंबर, जब हम मूल धातु में कोनो प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, हाँ प्रत्यय, जब मूल धातु में कोनो प्रत्यय जोड़ देते हैं तो तीन चीज बनता है, एगो बन सकता है सकर्मक, या बन सकता है अकर्मक, या बन सकता है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, पता यही वाला क्लास में जब इंटर मीटिंग में पढ़ाते ना तब का हालत का भैया कैसे समझे में ना रहे, प्रेरणात्मक एकदम हल्का चीज है कि नहीं भारी है बोलिए नहीं नंबर हमें भारी है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या बनता है इसमें,
इसमें बनता है क्या, जब हम कोई मूल धातु में, नहीं नहीं मूल धातु में, जब संज्ञा में, क्या संज्ञा में या विशेषण में, क्या विशेषण में जब हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं प्रत्यय, प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, इसे इसे जो बनता है धातु उसको कहते हैं नाम धातु। शॉर्ट में याद हो रहा है, रहेगा सब कुछ है एकदम शॉर्ट में याद रखे। तो धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल पहले पहले कोई पूछेगा आपसे तो शॉर्ट में समझने से पहले ना पूरा क्लियर करना पड़ता है। अगर इसमें हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएं छोटा सा और छोटा देर में कहें तो कैसे कहेंगे, कहेंगे धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु यौगिक धातु। मूल धातु जैसे पढ़ना हंसना गाना, पढ़ हंस गा इत्यादि, और यौगिक धातु तीन प्रकार से बनते हैं। जब मूल धातु में मूल धातु को जोड़ते हैं तो संयुक्त क्रिया बनता है, और जब मूल धातु में प्रत्यय को जोड़ते हैं तो सकर्मक अकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया बनता है, और अगर संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नाम धातु बनता है। शॉर्ट्स में यही ना कहेंगे हम, छोटा सा नहीं याद रहेगा, यही चीज अभी तक पढ़े हैं आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिया, क्या पढ़ने जा रहे हैं क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, चलिए पाठ कर लेते हैं क्रिया के बारे में। हाँ अब आए हम लोग पॉइंट पे, यही चैप्टर का नाम था क्रिया, है ना क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। कोई काम करने का बोध हो, अच्छा कोई काम करने का प्रकट हो, क्रिया का बोध हो या उसका अवस्था का भी बोध हो सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना उठना बैठना होना इत्यादि सब क्रिया है। अब कहेगा इस वाक्य में क्रिया को पहचानिए, चार गो वाक्य दिया है, क्रिया को पहचान के बताओ कहाँ पे है क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, यहाँ पे क्रिया कौन है, उड़ रहा है क्रिया है। महेश आंगन में घूमता है, कौन क्रिया है, घूमता है, वेरी गुड। सुरेश रात को दूध अवश्य पीता है, पीता है अवश्य, छोड़िए। बर्फ पिघल रही है, पिघल रही है, सब क्रिया है ना बुआ, समझ में आ रहा है। जैसे मोटरसाइकिल पर सामान बेच रहा है तो क्या होगा, बेच रहा है, बेचना क्रिया है ना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं क्या हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया। तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ना क्रिया हो गया। वहाँ पर बच्चा सब वहाँ देखते हैं क्लास में, बच्चे लिख रहे हैं तो क्या, लिखना क्रिया हो गया। ऊपर नर्सरी क्लास में बच्चे खेल रहे पढ़ रहे होंगे तो पढ़ना क्रिया, खेल रहे होंगे तो खेलना क्रिया हो गया है ना। खाना ऊपर बन रहा है, खाना बनाना क्रिया हो गया, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जो काम हम करते हैं, जो काम होता है, जो वही कहता है क्या, क्रिया। अब बात कर लेते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया कई प्रकार के होता है। कर्म के आधार पर क्रिया दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म होता है, देखिए फिर बातचीत थम के बातचीत करते हैं। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। चाहे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे उसके, हाँ ये हो सकता है क्रिया जिस, देखिए क्या करा, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कभी कभी क्रिया रहता नहीं है, कर्म कर्म की संभावना रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब, राम किताब पढ़ता है, फिर बातचीत, अच्छा पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है तो बताइए इसमें कर्ता कौन है, कौन किताब पढ़ रहा है, तो जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ता। आइए पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, क्या हो गया क्रिया। आज कृत्या कर्ता का फल, क्रिया का फल जहां पे पढ़ता है उसे कर्म कहते हैं, क्या कहते हैं कर्म। कर्ता जो काम करता है उसका फल जहां पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, क्या कहते हैं कर्म। तो क्या इसमें कर्म है कि नहीं है, कर्म है ना, तो इसको सकर्मक क्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिए बातचीत रही। अब क्या देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे अर्थात जिसके क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े, सॉरी जिसके क्रिया का फल कर्ता पर पड़े कर्म पे न पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम
पढ़ता है, क्या इसमें कर्म है? नहीं। राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। आप पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना है, क्रिया है, दोनों क्रिया है, ये करता है और ये क्या है? क्रिया है। क्या इसमें कर्म है? नहीं, नहीं है कर्म। देखिए ये करता है, राम करता है, और ये सब क्या है? क्रिया है। तो जब कर्ता क्रिया कर्म है ये नहीं है, तो ये क्रिया पढ़ना क्रिया यहाँ पे क्या हो गया? यही पढ़ता अकर्मक है, आ यहीं पर यही पढ़ता कर्म अति सकर्मक है। तो तुमसे कोई पूछेगा पढ़ता क्या है, सकर्मक या कर्म, तो वाक्य बना कर दीजिएगा तो ना बताएंगे हम। कोई में कर्म रहेगा तो सकर्मक कहेंगे, कर्म नहीं रहेगा तो अकर्मक कहेंगे। ठीक, नहीं समझ में आया? देखो एग्जाम्पल समझाते हैं, अभी नहीं आया लगता है, नहीं आया। देखिए जैसे देखिए राम खाता है, राम खाता है, दूसरा नंबर में है राम आम खाता है, तीसरा नंबर है राधा गीत गाती है, चौथा नंबर है राधा गाती है। चलिए हमको पता करना है कि कौन सा कर्मक है कौन अकर्मक है, ठीक है ना? तो हम ऐसे पता नहीं करेंगे, हम देखेंगे कर्म है कि नहीं। इसमें करता है, क्या है? करता। और ये क्रिया है, ये करता है क्रिया है, कर्म है नहीं। तो कर्म इसमें नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक। क्या हो गया? ये राम करता है, खाना क्रिया है, आई कर्म है, क्या है? इसमें कर्म है, तो इसको क्या कहेंगे? सकर्मक। ठीक है, इसमें राधा क्रिया करता है, गाती क्रिया है, आई कर्म है, क्या है? कर्म है, तो क्या हो गया? सकर्मक है, क्या है? सकर्मक। इसमें करता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, देखो क्या कहेंगे? अकर्म। अब आया कि नहीं आया सुनता हूँ, क्या और एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल और देखिए आ गया। मैं खेलता हूँ, क्या होगा? मैं खेलता हूँ अकर्म। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ सकर्म। प्रतिकार वह खाती है, क्या हुआ? और लंच खाती है सकर्मक। लंच खाते, लंच बता दे क्या खाते, लंच तो उस हो गया सकर्मक, कर्म हो गया उसमें, है ना? नहीं है, जरा कर्म रहेगा वो हो गया सकर्मक, ठीक है ना? जरा में कर्म नहीं रहेगा वो हो गया अकर्म। चलिए बात इतनी, अरे बुआ रे बात नहीं, अब चलिए बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया का, बहुत इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है इसमें, देखिए कितना मजा आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया चाहे प्रेरणार्थक आपको किसे कहते हैं, आसानी से समझ में आ जाती है। जिस क्रिया से इस बात का बोध, देखिए जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं, जैसे मैं पौधा लगवा रहा हूं, क्या मैं जाके पौधा लगा रहा हूं? नहीं, मैं पौधा लगवा रहा हूं, कोई दूसरा आदमी लगा रहा है। जैसे देखिए, जैसे मेरे पिताजी घर बनवा रहे हैं, क्या आपके पापा जी खुद बना रहे हैं? आपके पापा जी किसी दूसरे से बनवा रहे हैं, ठीक है ना? समझ रहे हैं? क्या मैं नर्सरी को पढ़ा रहा हूं अभी? पढ़वा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। क्या मैं नर्सरी में पढ़ रहा हूं? नहीं। क्या मैं नर्सरी को पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं नर्सरी को पढ़वा रहा हूं। तो पढ़वाना क्रिया हो गया प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दी है तुम नर्सरी में जाके ये पढ़ाओ, ए भैया आप जो अभी है मिस है आप जाके नर्सरी में ये पढ़ाइए, तो जाके हम प्रेरणा दिए वो पढ़ा रही है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे लगवाना, ये लगवा, ये बनवा, ये सब क्या है?
प्रेरणार्थक क्रिया है। और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। उठना, हम अपने सोते थे उठ गए तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं हुआ। उठाना है, हम ही जाकर उठा दिए, ना उठ रहे हैं ना उठा रहे हैं, उठवा रहे हैं, उठवाना। चलना, चलाना, चलवाना। देना, देना, दिलाना, दिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। सोना, सुलवाना, सुलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। तो ये देख रहे हैं, वाना 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 वाना, ये सब है क्या प्रेरणार्थक क्रिया। उठवाना, हम उठा नहीं रहे हैं, हम खुद उठ नहीं रहे हैं, हम उठवा रहे हैं। देखिए लिखवाने के, हम लिख नहीं रहे हैं, ना हम लिख, ना हम ना लिख रहे हैं और ना लिखा रहे हैं, हम खुद लिखा भी नहीं रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं। किससे? बोर्ड से। बोर्ड तुम लिखो, आते जाओ, लिखाते जा रहा है। ना हम लिख रहे हैं ना लिखवा रहे हैं, ना लिख रहे हैं ना लिखा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, है ना। ना पढ़ रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, समझ रहे ना। ना गा रहे हैं न गवा रहे हैं, न गा रहे हैं न गवा, अभी गाना सिखा रहे हैं, वो गवा रहे हैं किसी से, तो क्या हो जाएगा, उसको प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है ना, हुआ। जब हम काम करेंगे तो करते काम का प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे खाना हम बना नहीं रहे हैं, खाना ना हम बना रहे हैं ना बनाते हैं, वो बनवा रहे हैं किसी से, खाना बनवा रहे हैं, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे निकल आएगा, सोहन कुमार, सोहन लाल डाकिया से पत्र पढ़वा रहे हैं। पढ़ रहा है, खुद पढ़ रहा है? नहीं, डाकिया से पढ़वा रहा है, उसको नहीं पढ़ने आता इस तरह से। और देखिए, उठवाना, चलवाना, दिलवाना, खिलवाना, जिलवाना, सिखवाना, सुलवाना, पिलवाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या हुआ? अब चलते हैं हम लोग नाम धातु संज्ञा पे। हम लोग पढ़े भी हैं नाम धातु किसे कहते हैं। जब विशेषण में या संज्ञा में लगता है तो क्या कहलाता है वो? तो एक चीज और समझिए, जब संज्ञा में लगता है सर्वनामों में लग सकता है। सर्वनाम में लगेगा या संज्ञा में लगेगा या विशेषण में लगेगा, याद कर लिया। जब संज्ञा में लगे या सर्वनाम में लगे या विशेषण में लगेगा प्रत्यय, तो उसे क्या बनेगा? नाम धातु बनेगा। क्या बनेगा? जैसे आपको पढ़े में देखिए, शर्म से शर्माना, लचार से लालच से ललचाना, लाज से लजाना, टक्कर से टकराना, फिल्म से फिल्माना, चक्कर से चकराना। और देखिए, लाज से लतियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, समझ से समझाना, इस तरह से समझ में आ रहा नहीं सब। और देखिए मुख्य, अब बात आती है कि भैया वाक्य में प्रमुखता के आधार पर ना कर्म प्रमुखता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बस थोड़ा दौड़ है। एक है मुख्य क्रिया, एक है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? जो वाक्य में मुख्य काम को दर्शाता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य काम करता हो वही मुख्य क्रिया होता है। जैसे कोई वाक्य में अगर कोई सहायक क्रिया नहीं है तो चलेगा, मगर कम से कम एगो मुख्य क्रिया तो होवे करेगा वही में। कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो ना मुख्य क्रिया नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई वाक्य पैदा नहीं लिया है जिसमें मुख्य क्रिया नहीं है, सब में एगो मुख्य क्रिया होवे करेगा कम से कम। देखिए सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो जो मुख्य क्रिया को सहायता करता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे है, हूं इत्यादि। आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, जैसे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे लिखे, मैं खाना खाता हूं। देखिए इसमें मैं क्या है बोलिए? मैं क्या है? करता है। खाना क्या है? गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, कर्म। खाना, खाता क्या है? यह है मुख्य क्रिया। मुख्य, मुख्य काम खाने ना है। यहाँ क्या है? ये भी क्रिया है, कौन क्रिया है? सहायक क्रिया। क्या हो गया? आप बड़ा मजा आएगा, आपको सब कुछ पता है कौन क्या है, है कि नहीं? मैं खाना खाता हूँ, मैं करता, खाना कर्म, खाता मुख्य क्रिया, हूँ सहायक क्रिया। ऐसा समय में सहायक क्रिया कि नहीं? जैसे देखिए और देखिए, वह गीत गा रही है,
आप बताइए वह क्या होगा बुआ? करता होगा, करता। गीत क्या होगा? कर्म। गा क्या रहेगा? गा, गाना, गाना मतलब गा से गाना होता है। क्रिया मुख्य क्रिया क्या हो गया? मुख्य क्रिया। आई दोनों क्या हो गया? ई क्या है? सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। हूं क्या है? हूं, ये भी है सहायक क्रिया। सहायक, समझ में आया क्रिया? कोई दिक्कत? पहचान लोगे? तो ये हो गया हमारा क्रिया द एंड, ठीक है ना? चलिए हो गया। चलिए हो गया। मजा आया? कितना मजेदार चीज है। किताब में पढ़िएगा और इसको, और इसको लिखवा भी देंगे आपको। कहाँ तक लिखे हुए आप लोग? यौगिक क्रिया कैसे बनता है लिख लिए ना? वीडियो एक्चुअली नहीं बना था ना, जैसे डाले नहीं थे। कोई दिक्कत है?